welcome back to my channel. This is your girl Maya Singh, and today I am here at Magica. I'm so excited, so let the fun begin. गाइस अभी हम अपनी टिकट्स कलेक्ट कर रहे हैं एंड फूड वाउचर, उसके बाद हम राइड्स पे जाएंगे। ये है डिलाइटफुल मेमोरीज। सो अगर आपको यहाँ से ये टूर है, आप किसी के लिए यहाँ पे गिफ्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इमेजिका की कोई मेमोरीज रखनी है अपने पास, तो लेट्स गो इनसाइड। सो गाइस ये है द स्टोर ऑफ डिलाइटफुल मेमोरीज। तो यहाँ पे अगर आपको किसी कोई क्यूट सा गिफ्ट लेना है, या फिर आपको मैजिका की कोई मेमोरी रखनी है अपने पास, सो दिस वाज़ द डिलाइटफुल मेमोरी स्टोर। गाइस ये है पेट, यहाँ पे हम अपने पेट पूजा कर सकते हैं। ये एकदम प्रिंसेस का कासल लगा है। लेट्स गो। तो गाइज आपने मिस्टर इंडिया मूवी तो देखी होगी। गाइज इस साइड का नाम है आई फॉल इन लव। सो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी एंड क्या। लेट्स गो एंड लेट्स गो टू थिंग। सो गाइज सैटरडे इस ट्रैक बहुत रश हो, यहाँ पे बहुत रश हो रहा है, एंड इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक्सप्रेस वाली टिकट लीजिए, ताकि आपको थोड़ा कम रश मिलेगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा रश है। सो गाइज अभी मैं आई फॉर इंडिया की राइड में बैठ चुकी हूँ, सो हम देखेंगे अभी पूरा शो। सो गाइज अभी मैंने आई फॉर इंडिया किया और मुझे लगा बस 5 मिनट्स में मैंने पूरी लाइक इंडिया का टूर कर लिया है। मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया में भी इतनी सारी चीज़ें थी एंड इतनी यूनिक चीज़ थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी लाइक ताजमहल, कन्याकुमारी, इतनी सारी चीज़ें, एंड इट वॉज लुकिंग सो मच ब्यूटीफुल। सो इस साइड में तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। अब देखते हैं और क्या क्या राइड्स हैं। लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही सारी राइड्स हैं, बट बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पे कुछ राइड्स बंद हो गई हैं, पर जो खुली हैं हम उनको ही चेकआउट करते हैं। पता भी हम समझा रहे हैं। अब हम इस साइड में जाने वाले हैं जिसका नेम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मूवी तो आपने देखी ही होगी, सो अब देखते हैं कैसा राइड है और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाय। तभी मैंने मिस इंडिया की राइड करी, लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसमें। एक्चुअली बेसिकली यही था कि मिस्टर इंडिया के हम कार में बैठते हैं एंड उनको फॉलो करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, एंड इस राइड में मैंने सारी राइड्स कर ली हैं।
कि उसमें हम मैजिक का हमें सारी राइड्स कर लेते हैं. अब मैं और बहुत सारी एक्साइटेड हूँ कि मैं जो रियल लाइफ में मुझे राइड्स करनी है वो कैसे होती है. सो हाँ, पर अभी हम उन राइड्स पे जाएंगे तो इसके बाद हम जाएंगे इस राइड पे, देखते हैं कौन सी राइड पे हम जाएंगे. सो गाइस, अभी हम जाने वाले हैं राइड में. आई डोंट नो क्या होने वाला है, वो तो जाके ही पता चलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या था. गाइस, अभी तक की बेस्ट 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 राइड थी डीप फेस में. वन लाइक एक रोलर कोस्टर टाइप का था, कभी ऊपर जा रहा नीचे जा रहा हो रहा था, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, बट इट वॉज वेरी फन. और मेरी मम्मा ने मुझे लाइक 15 टाइम्स तो बोला होगा डैड पकड़ मम्मा को लाइक रोलर कोस्टर पसंद नहीं आता इसलिए, बट इट वॉज वेरी फन. अब मैं रोलर कोस्टर पे जा सकती हूँ. ये एक हॉन्टेड हाउस है, मुझे बहुत डर लगता है पर मुझे पसंद भी है. तो देखते हैं क्या क्या हॉरर चीज़ें होंगी, फिर मैं आपको एकदम डिस्क्रिप्शन दे दूँगी क्या क्या हुआ था अंदर. एंड हाँ, मैंने अभी एक टीका फ्राइड की थी, उसमें बहुत फास्ट चला था, मुझे चक्कर आ गया, बट इट्स ओके. लेट्स गो इनसाइड. अभी हमने इनका किया था, हमने ये राइड की थी, हॉरर थी बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था बट थोड़ा सा डर लगा था मुझे इसमें इन द एंड, और बहुत ही ज़्यादा डराना था उसमें. हम एक ट्रेन में जा रहे थे. गाइस, मुझे लग रहा था बहुत बड़ा है मैजिक आया सो यहाँ पे इतनी रश नहीं होगा, लेकिन रश है. बट कोई बात नहीं, अकेले भी राइड्स करने में मज़ा थोड़ा आता है, बहुत सारे लोग होते तो ज़्यादा मज़ा आता है. सो गाइस, अभी हम राजेश और इस राइड में जाने वाले हैं. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन, बिकॉज आपने देख ही होगा ये राइड कितनी फैंटास्टिक थी, बहुत ही मजा आया इस राइड में. आप देख ही सकते हो मैं वेट हो चुकी हूँ अभी, ड्रॉप हुआ तो हम सब वेट हो गए. और हाँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आया मुझे इस राइड में. अब ये मेरी फेवरेट राइड है फिलहाल. सो गाइस, अभी मैं इस राइड में थोड़ी सी वेट हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ, और अभी तो बहुत सारी राइड्स बाकी हैं तो मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी और फिर हम दूसरी राइड्स भी जाएंगे. यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी है इसलिए मैं आइसक्रीम से इंजॉय कर रही हूँ. सो गाइस, अभी हम अलीबाबा 40 फ्लोर की राइड में बैठने वाले हैं थोड़ी देर में, तो देखते हैं इसमें क्या होगा. एंड इसमें हमें शूट करना है करते मज़ा तो बहुत ही आया है. इसमें हमें शूट करना था विद अ गन, हमें ग्रीन लाइट्स पे शूट करना था बट मैं हार गई,
मम्मा पापा जीत गए, मम्मा ने बनाया था 7,000 और पापा ने बनाया था 15,000 और मेरा था 2,000. तो हाँ मैं हार गई, बट इट वॉज फन 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 फन. बोलो क्या हुआ, क्या हुआ? अलग अलग पंद्रह के बच्चे हैं. क्या हुआ? मेरी हाइट थी नहीं. तो बच्चे तो कर रहे थे इसमें. गाइस मुझे तो इतना तो था, पर आई गेस स्मॉल किड्स के लिए मेरी हाइट बहुत बड़ी, तो इतने से किड्स के लिए तो मैं कह सकती हूँ. अभी हम गोल्ड रश वाली राइड में आ चुके हैं, अभी यहाँ पर थोड़ा वेट हो रहा है, बट इसके बाद हम जाएंगे चिचिल ट्रेन में. मम्मा मम्मा आपको डर तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं. मेबी ये मैंने जो रोलर कोस्टर पे गई थी मैं, वो बहुत ही अमेजिंग था. मुझे ज़्यादा डर भी नहीं लगा था एंड इट वाज अमेजिंग. थोड़ा सा डर लग रहा था स्टार्टिंग में, बट देन आई वाज हैविंग फन. Want to sit? Guys, मैंने नीचे राइड करी थी, बहुत ही स्कैरी थी. वो ऐसे उलट पुलट हो रहा था, सो मैं बहुत स्कैरी थी. सो अभी हम कोई और राइड करते हैं और थोड़ा सा फूड भी खाते हैं. Let's go. का जो फूड है वो बहुत टेस्टी है. आपको 350 में बहुत सारे थाली के ऑप्शन मिल सकते हैं. नॉर्थ इंडियन थाली, चाइनीज थाली, महाराष्ट्रियन थाली, गुजरात थाली, बहुत सारी थाली हैं. एंड इसके अलावा बहुत सारे फूड भी है, इडली पास्ता जो हम सबको बहुत पसंद भी होता है. और हाँ बस यहाँ बहुत अच्छी पर इनका जो फूड है उसका टेस्ट बहुत ही यम्मी है. Come on, everybody, Zorda Talia, come on. What a- My room.
तो गाइस मैं बहुत सारा पूरा दिन राइड करके अमेरिका से जब आई थी मैं बहुत टायर्ड थी और मैं अभी नोवोटेल में स्टे कर रही हूँ एंड मैंने अभी तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड बट टमोरो मॉर्निंग मैं सब कुछ आपको बताऊँगी मेरा रूम कैसा है एंड एवरीथिंग और अभी मैं डिनर कर रही थी एंड मेरा डिनर फिनिश हो गया द डिनर वॉज अमेजिंग और बस अब मुझे बहुत सारी नींद आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी किसी राइड में बैठी हुई हूँ तो अब मैं नेक्स्ट राइड जो मेरी होने वाली है वो है बेड की राइड तो मैं आपको बेड की राइड के बाद मिलूँगी अभी के लिए गुड नाइट और सुबह मिलते हैं इन द गुड मॉर्निंग सो गाइस ये है मेरे रूम का व्यू जहाँ से अमेरिका दिख रहा है और अभी मैं जाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए लेट्स गो सो गाइस आज आई टोल्ड यू हम ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले थे और पर बहुत भीड़ है अंदर इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर बट हाँ उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे गाइस सो जब भी मैं किसी भी होटल में जाती हूँ ना आई लव चॉकलेट मिल्क और मुझे चॉकलेट मिल्क चाहिए होता है ब्रेकफास्ट में और यहाँ पे भी चॉकलेट मिल्क है लकीली आई ना तुम्हारा मन नहीं हो रहा अभी मैं अपना घर जा रही हूँ और मैं माजी को बाय बाय कर रही हूँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बट जाना तो पड़ेगा ना और मेरी एग्जाम्स भी आने वाले हैं इसलिए आई मिस यू माजी का बाय सो गाइस दिस वाज माय वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट अमेरिका बाय सामने पकड़ो पकड़ना